बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पानी डाल के रखा है, उसमें चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको उबलने के लिए रख दी। 900 ग्राम चिकन लेके मैंने, उसमें मैं एक बिरयानी मसाला जो है ना वो डाल देती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करके रख लिया। पानी उबल गया था, इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से उबल रहे हैं। ये चावल मेरे उबल गए हैं, मैंने निकाल के रख लिए। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँ। जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, और मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और बाकी के अंदर गोश्त डाल देती हूँ। बाकी के अंदर गोश्त डाल के अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये दही है 2 चम्मच मैंने लिए हैं, ये वाले बड़े बड़े वाले। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल के तो इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लेती हूँ। अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट भून लिया। मैं इसके अंदर दही डाल देती हूँ। मेरा बिरयानी का कोरमा बन गया। बस थोड़ी सी और मैं इसमें से पानी जो है ना ख़त्म होता है तो इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं राइस डाल देती हूँ। सारे ऊपर धनिया के थोड़े पत्ते और जो प्याज मैंने निकाली थी वो ऐड कर देती हूँ उसके ऊपर। और येलो फूड डाल के इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा तो मैं इसको रख देती हूँ, दम पे रख देती हूँ। 15 मिनट बाद खोलती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। हो गया, मैंने बिरयानी का दम खोला है तो मज़ेदार सी मेरी बिरयानी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।